टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद बड़ा बयान दिया है। मस्क ने कहा है कि किसी भी अन्य बड़े देश की तुलना में भारत में ज्यादा मौके हैं। पत्रकारों ने जब सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के मालिक मस्क से कंपनी के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के भारत सरकार के खिलाफ हाल ही में लगाए गए आरोपों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ट्विटर के पास स्थानीय सरकार की बात मानने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है, नहीं तो वो बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा, हम केवल किसी भी देश में कानूनों का पालन कर सकते हैं, हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। ये पूछे जाने पर कि क्या टेस्ला भारतीय बाजार में प्रवेश करेगी, इस पर मस्क ने कहा कि वो अगले साल देश की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि टेस्ला भारत में होगी। मस्क ने कहा, मैं प्रधानमंत्री का उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और उम्मीद है कि हम निकट भविष्य में साथ काम करने में सक्षम होंगे। एक अलग बयान में मस्क ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा, वो वास्तव में भारत की परवाह करते हैं क्योंकि वो भारत में उल्लेखनीय निवेश करने के लिए हमसे बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं मोदी का फैन हूं। मस्क ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी बातचीत को बेहतरीन बताते हुए कहा कि भारत सौर ऊर्जा निवेश के मामले में बेहतरीन काम कर रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के न्योते पर अमेरिका पहुंचे हैं। अमेरिका में पीएम लगातार अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी प्रमुख हस्तियों से मुलाकात कर रहे हैं।